बहू, ऐ बहू, क्या है? क्यों पागलों जैसा चिल्ला रही हो? मुझे थोड़ा पानी देना, मुझे दवाई पीनी है। क्या करोगी दवाई पी के? मरने की उम्र है? कुछ काम धंधा है नहीं, बस पड़े पड़े पानी दो, खाना दो, दवाई दो। बहू, मैं बीमार हूँ, इसीलिए तेरे को बोल रही हूँ, मुझे दवाई दे। मेरी सास हो इसीलिए यहाँ पे रखा है, नहीं होती तो कब का बाहर निकाल चुकी होती। और ऐसे ही पड़ी रहो ना, तुमको कौन सा काम करना है? सारा काम तो मुझे करना होता है, और उसमें भी मुझे हैरान करती रहती हो। बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना, तो सारा काम मैं ही करूंगी। तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक अच्छे अस्पताल ले चल बेटा। अगर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई ना और तुम ठीक हो गई, तो पूरी मोहल्ले भर में मुझे बदनाम करती फिरोगी। मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। उससे अच्छा तुम ऐसे ही पड़ी रहो, कोई अस्पताल अस्पताल नहीं जाना। बेटा, थोड़ी तो दया मुझ पे कर। तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से ऐसे बात करती है क्या? मेरी माँ का स्वभाव अच्छा है, वो तुम्हारी तरह खटपट खटपट नहीं करती रहती है। अगर तुम मेरी माँ जैसी होती ना, तो मैं तुम्हें भगवान जैसे पूछती। भगवान जैसे मुझे पूजना नहीं बेटा, मोर मुझ पे थोड़ा रहम खाओ, थोड़ा ही पानी और दवाई लाके दो तो ही बस है। अच्छा ठीक है, पानी लाके देती हूँ, लेकिन दवाई खत्म हो गई है। बेटा आए तो उसको बोलना। तुम्हारी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़कर आओ, मुझसे उनकी सेवा नहीं होती। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि डेली डेली उनकी फरमाइशें पूरी कर पाऊँ। हर समय जब देखो तब चिल्लाती रहती है, ये चाहिए वो चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। ये तुम क्या बोल रही हो? वो माँ है मेरी, ऐसे किसे वृद्धाश्रम छोड़ दूंगी? ये उन्हीं का तो घर है यार। उन्हीं का घर है तो क्या करूँ? मैं क्या उनकी नौकर हूँ, गुलाम हूँ? बिना फालतू की चीजें मांगा करती हैं। अभी वो बीमार पड़ गई है तो मुझे बोल रही है दवाई लाओ। मैं कहाँ से लाऊँ? मैं दवाई लेकर घूमती हूँ क्या? वो अपना ध्यान इतना तो रख ही सकती है ना, दवाई लेने खुद नहीं जा सकती क्या? अरे वो बीमार है तो पानी लाने को बोल दिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? दवाई देने को बोल दिया तो क्या हो गया इसमें? वो ऐसे ही बिना फालतू का सोती रहती है। अगर सही आदमी चले फिरे, कुछ काम वाम करे तो स्वस्थ भी रहता है। ऐसे पड़े पड़े तो आदमी बीमारी होता है ना, और वो बीमार है मार कुछ नहीं है, वो नाटक कर रही है। तुम अभी जवान हो ना, इसलिए इतना बोलती हो। जिस दिन बुढ़ापा आएगा ना, तब पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जब मेरा बुढ़ापा आएगा ना, तो मैं अच्छा स्वभाव रखूंगी, तुम्हारी माँ की तरह नहीं, चिड़चिड़ वाला स्वभाव। मुझे याद है जब मैं शादी करके आई थी तब उन्होंने मुझे कितना परेशान किया है। वो तुम्हें ऐसा लगता है कि उनका स्वभाव चिड़चिड़ा बना है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दिल से बहुत साफ है। हाँ, तुम्हारी माँ तो तुमको सही लगेगी ना, अपनी माँ थोड़ी ना किसी को बुरी लगती है। तो सही है तो सही बोलूंगा ना, गलत तो नहीं है ना वो? आज से वो जो भी मांगेगा सारी फरमाइश से पूरी होनी चाहिए उनकी। मैं उनकी कोई फरमाइश नहीं पूरी करने वाली हूँ। अगर तुमको रखना है तो रखो, नहीं तो बोलो, मैं महके चली जाती हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब है हम दोनों मिलके करेंगे ना, और आइंदा से ऐसा मत बोलना मायके चली जाऊंगी। ये भी तो तुम्हारा अपना घर है ना, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? हाँ तो मैं जैसा बोलती हूँ ना वैसा ही करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी मायके। ठीक है, जैसा तुम बोलती हो वैसा ही होगा। मेरी भाभी ना मेरी मम्मी का अच्छे से ख्याल ही नहीं रखती है यार। क्यों? ये तो बहुत गलत बात है, ख्याल तो अच्छे से रखो, और वैसे भी उनका उम्र हो चुका है, उनका देखभाल आप लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मुझे भी बहुत टेंशन होती है। अच्छा एक काम करो, तुम तुम्हारी मम्मी को थोड़ा हमारे घर पर रखो, थोड़ा तुम्हारे घर पर रखो, ऐसे क्या उनका मन भी लगता रहेगा। हम अपने घर पर रखेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि माँ अपनी बेटी के घर पर रहती है। नहीं वो बीमार है इसलिए मैं कह रहा था, बाकी और कुछ नहीं। अगर वो हमारे घर रहती है, थोड़ा हवा पानी चेंज होता है, तो उनकी हो सकता है तबीयत ठीक हो जाए। मेरी मम्मी उसकी भी तो मम्मी ही हुई ना, एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती है। अगर ऐसी बात है तो तुम थोड़ा अपने मायके जाओ, इसमें क्या है तुम्हारी मम्मी का भी दिल बहल जाएगा, उनका भी मन लग जाएगा, हो सकता है उनकी तबीयत इसी बार ठीक हो जाए। अच्छा एक काम करो, तुम आधी जाओ, मैं तो बताऊँ तुम आधी चली जाओ। ठीक है। ठीक है, अभी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो। मैंने सुना था आप बहुत बीमार पड़ गए थे बीच में। हाँ बेटा, तबीयत अभी ऐसे ही चल रही है। दवाई टाइम पे लेती हो कि नहीं लेती हो? मेरे पास अगर दवा हो तो मैं लूँ ना, दवाई नहीं है तो कहाँ से खाऊं?
क्यों दवाई नहीं है मतलब? बेटा मुझे तुम्हारी भाभी दवाई ही नहीं लाके देती हो तो मैं कहाँ से खाऊं? ऐसा है तो दवाई क्यों नहीं देती है? मुझे फोन कर दिया होता मैं दवाई लेके आ जाती। बेटी से दवाई का पैसा मांगू? इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। नहीं तेरा भैया सुनता है और नहीं तेरी भाभी सुनती है। और तेरी भाभी तो ये बोलती मर क्यों नहीं जाती, यहाँ से चली जा, रुद्राश्रम में चली जा, तो मैं क्या करूं? भैया कुछ नहीं बोलते है क्या? वो भी उसके दबाव में है इतना, वो भी कुछ नहीं बोलता। मैं भाभी से बात करती हूँ, उसके बाप का घर थोड़ी ना है। नहीं नहीं बेटा तू बात मत करना, अगर वो घर छोड़ के चली जाए तो समाज वाले दुनिया वाले क्या बात करेंगे? तो फिर लोगों के डर से हम क्यों दुख झेले? क्या करे बेटा, नसीब में लिखा होगा, दुख लिखना है तो दुख ही लिखेगा ना। मम्मी तुम बहुत बोली हो, तुम कुछ बोलती नहीं ना इसीलिए भाभी डांटती है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अब मैं आ गई हूँ ना, सब सीधा करके जाऊंगी मैं। देख बेटा अपनी भाभी को कुछ मत बोलना। क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। कब आई आप, मुझे पता नहीं चला। बस अभी आई। वैसे तो घर में कई ऐसी चीजें बनती है जो आपको तो पता ही नहीं चलती है। अगर मैंने बोल दिया ना तो आप सुन नहीं पाओगी। सुनाना क्या चाहती हैं आप? जो ये साफ साफ बोलिए, ऐसे टोन मत मारिए। दो दिन रहने आए हो, खुशी से रह के जाओ ना, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने क्यों आए हो? मैंने यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई हूँ। मुझे ना सब मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपको मुझे ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आदमी रास्ता भूल जाता है ना तो उसे ज्ञान देना जरूरी होता है। अच्छा बाहर आपसे मम्मी मिली होंगी, उन्होंने आपके कान भरे होंगे, चाबी लगा के उन्होंने ही भेजा है ना आपको? उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने अपनी आंखों से सब देख लिया है। बहुत फिक्र है आपको आपकी मम्मी की? हाँ तो फिक्र तो होगी ना, मम्मी है मेरी। इतनी फिक्र है तो अपने घर ले जाओ। मैं अपने सास को दूसरे के घर पे नहीं भेजती हूँ, मैं अपने घर पे ही रखती हूँ, उसकी सेवा करती हूँ। अब भी वही करो ना। देखिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है आप मुझे मत सिखाइए। अगर आपको रहना है तो आराम से रहिए, नहीं तो आप अपने घर चले जाइए। क्यों मैं अपने घर क्यों जाऊँ, ये भी तो मेरा ही घर है। अच्छा तो फिर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो मैं मेरे मायके चली जाती हूँ, और तो क्या? आप तो वही चाहते हो, अपने मायके चली जाती हो, और भैया तो कुछ बोलते नहीं है, आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। बस बोल दिया ना आपने, अब आपको जाना है कि मैं जाऊँ? एटीट्यूड तो देखो इसका। भैया ये सब क्या है, अब भाभी से बात करो ना, वो कैसे बात करती है मम्मी से? मैं उसे समझा चुका हूँ, इसमें आप क्या कर सकता हूँ? भैया मम्मी को पैसे की नहीं प्रेम की जरूरत है, अब प्यार से उसके पास बैठो, उससे बात करो, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, उसे हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैंने तेरी भाभी को समझाया है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है, कुछ बोलता हूँ तो उखड़ जाती है। क्या थोड़ा सा बोल दो तो उकड़ जाती है? आप भाभी को प्यार से समझाओ ना, अगर नहीं समझती है तो कड़क होकर समझाओ। मैंने उसे प्यार से भी समझा के देख लिया और उसे कड़क होकर भी समझा के देख लिया, जब बोलता हूँ तो घर अपने मायके जाने की धमकी देती रहती है। अगर वो मायके चली जाएगी तो फिर घर में रहेगा कौन? मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगा, माँ की देखभाल कौन करेगा? तो मम्मी को जानता है ना, वो कितनी भोली है, कभी भी बिगड़ जाती है। भाभी को समझाओ। मैं सब समझता हूँ लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो तू क्या चाहती है, मैं तेरी भाभी को जाके समझाऊँ, उसे दो थप्पड़ मारूँ? दो थप्पड़ मारूँगा मायके चली जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, कैसी बहन है तू, यही चाहती है क्या? अरे भैया मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा कह रही हूँ कि भाभी को ऐसे समझाओ कि वो मायके भी ना जाए और मम्मी को अपना समझे और उसकी देखभाल करे और उसके पास प्यार से बैठे, उसकी सेवा करे, बस। अच्छा छोड़ो मैं समझा दूंगा। और हाँ तू कितने दिन यहाँ पे रहने वाली है, तू भी जाना अपने घर। क्यों ये मेरे पापा का घर है, तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना तब ये तेरा घर था, अब तेरा घर वही है। देखो भैया मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे दो दिन के लिए ही आई हूँ, मम्मी को प्यार से रखूंगी, वो ठीक हो जाएगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
अच्छा तो रखो, ज्यादा तान में बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। भैया कितने दिनों के बाद आप आए हो? हमारे दामाद का फोन आया था, इन्होंने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है तो चलो मिलकर आते हैं, इसलिए हम दोनों चले आए। अब कैसी तबीयत है? ठीक है। अच्छा बहू सेवा करती है कि नहीं? हाँ हाँ अच्छे तरीके से करती है सेवा। दवाई टाइम पर देती है? हाँ ठीक है। कैसे हो मामा? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बस ठीक हूँ। ये तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब थी ना, सुना तो हम चले आए मिलने के लिए, हाल चाल देखने के लिए। मथिन कहाँ है? मथिन घर में ही था बुलाते में। मथिन? हाँ मामा बोलो। मामा आए होंगे। हाय मामा। हाय कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है कामकाज? बहुत अच्छा चल रहा है मामा। मम्मी का ख्याल रखा करो बेटा। मामा अब आप आ ही गए हो तो वो जो जमीन पड़ी है उसमें से मम्मी के खाते में कुछ कर दो ना। हाँ क्यों नहीं, अगर मम्मी बोलेगी तुम्हारी तो मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही ठीक हूँ। आपको नहीं चाहिए लेकिन हमको तो चाहिए ना। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद कमाई करो और खुद लो अपनी जमीन, मेरे भैया से क्यों मांग रही हो? लेकिन आपके भाई के पास है जो जमीन वो आपकी ही है ना, और जो आपकी हुई वो हमारी ही हुई ना, क्योंकि हम भी तो आपके बच्चे ही है ना। अब याद आई कि मैं बच्ची हूँ, तब कहाँ गई थी? जब मैं खटिया में सो रही थी, बीमार थी, तब तो पानी भी नहीं देती थी, दवाई भी नहीं देती थी, और अब जमीन के लिए बच्ची हो गई। वाह ये तो अच्छा काम है। क्या बात करती हो बहन, इतना जुल्म हुआ तुम्हारे ऊपर और तुमने एक फोन नहीं किया। अगर तुम एक फोन कर देती तो मैं आकर तुम्हें अपने घर ले चला जाता, मुझे मेरी बहन भारी नहीं पड़ती। नहीं भैया ये बात नहीं, अब मैं सही हो गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। देखो बहू इस तरह मम्मी पर जुल्म नहीं करते, अगर आज तुम इन पर जुल्म करोगी तो कल तुम्हारे बच्चे तुम पर जुल्म करेंगे। क्या हुआ क्या हुआ बहू? सुजल भाभी सुजल क्या हुआ? क्या हुआ देखो इसको, देखो डॉक्टर को फोन, देखो देखो पानी लाओ जल्दी पानी। क्या हुआ बेटे? सुजल सुजल क्या हुआ बेटा? सुजल सुजल डॉक्टर को फोन कर। सुजल ले बेटा दूध पी ले थोड़ा। मम्मी मुझे आपसे ये सब कराने में भी शर्म आ रही है, कुछ टाइम पहले आप भी इसी बिस्तर पे पड़ी थी, तब मैंने आपको गालियाँ दी, क्या क्या नहीं बोला, मर जाओ वृद्धाश्रम चले जाओ, दवाई तक नहीं दी, और आप मेरी एक महीने से इसी बिस्तर पे सेवा कर रहे हो, मुझे अपने आप पे आज बहुत शर्म आ रही है। क्यों तुम मेरी बेटी नहीं है? हाँ ऐसा नहीं सोचती? लेकिन मैंने तो कभी आपको माँ नहीं समझा, हमेशा बुरा समझा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई नहीं बेटा तुम्हारे मन में ये सब है ना, सब भूल जा, मैं पे तो कब का भूल गई हूँ, ये तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी ये जो जिंदगी मैं अभी जी रही हूँ, माना जाए तो ये आप ही की दी हुई जिंदगी जी रही हूँ, वरना मैं तो कब का मर गई हूँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मरने की बात कभी नहीं बोलते। ये तू क्या बोल रही है, सेवा की सेवा की, ये मेरा फर्ज है, मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकती, मैं तुम्हारी माँ नहीं, इतना नहीं कर सकती मैं, अपनी बेटी को खड़ा नहीं करूंगी बीमारी में से। हाँ लेकिन माँ मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगी, आपने दिन रात जाग के मेरी सेवा की है। मुझे याद है माँ जब मुझे पैरालाइज का अटैक आया था तब मैं एक ग्लास पानी तक उठा के नहीं पी पाती थी, और आपने मेरी इतनी सेवा की, आपने मुझे कसरत कराई, टाइम पे दवा दी, मेरी सेवा की, आपकी वजह से ही आज मैं अच्छी हुई। अब मुझे आप यहाँ से रूम में ले जाओ, मुझे आपसे और सभी से माफ़ी मांगनी है, मतिन को भी मैंने बहुत परेशान किया है, उससे भी मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है।
चलो मम्मी ले जाओ मुझे। ठीक है बेटा। मार्टिन, ओ मार्टिन। बोल मम्मी। देखना ये कुछ बोलना चाह रही है। बोलो। मैंने आप लोग के साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। देख ये अभी भी हमको पराया समझ रही है। हम तो तुम्हारे अपने ही है ना। वो तो आप सब लोग मुझे अपना मानते हैं। आप लोग को तो पता है मैंने आप लोग से कितनी बकसलूकी की है, आपसे बदतमीजी की, माँ को कितना परेशान किया है। और माँ, माँ कितनी अच्छी है, उन्होंने सब भूलकर मेरी सेवा की मेरी एक महीने तक, और मुझे नई जिंदगी दी। भाभी हम आपके और अपने अपने होते हैं, इसीलिए हमने आपकी सेवा की। देख बेटा सबसे माफ़ी मांग ली, बहुत हो गया, अब तू जाके आराम कर ले चल। नहीं माँ, मैंने बहुत आराम कर लिया, अब आप आराम करोगी और सारा काम मैं करूँगी, जितना हो सकेगा मुझसे सारा काम करूँगी। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम ये काम कर लोगी फिर बीमार पड़ जाओगी। मम्मी बोल रहे हैं ना आराम करने का, तो आराम कर लो। मतीन मैं कैसे आराम कर लूँ, मैं जब एक महीने तक बिस्तर पे थी तो मम्मी ने ही काम किया है दिन रात, वो भी तो थक गई होंगी, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। बेटा मैं आराम कर भी लूँगी जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ ना, मुझे पूरा आराम ही है और कुछ नहीं है मुझे। लेकिन मम्मी मैं ठीक ही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तो तू ठीक हो गई, तू अपने आप टाइम से दवा ले लेगी कि मुझे ही पिलानी पड़ेगी? नहीं मम्मी, अब मैं दवा अपने आप से ले लूँगी। अच्छा अभी तक दवाई चल रही है तो, और तू अपने आप को ठीक बोल रही है? तू ठीक तब होगी जब तेरी सब दवाई खत्म हो जाएगी और अपने आप सब कुछ काम कर लेगी तब। और सुन अब एक लफ्ज और नहीं बोलना है, जब तक तू पूरी ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुझे आराम ही करना है, सब काम मैं कर लूँगी, फिर तू वो काम कर लेना सब। मम्मी अगले जन्म में मैं आपकी बहू नहीं बेटी बनना चाहती हूँ। तो क्या मैं भाई बनूंगा?